वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मुलाकात में सालिक हुसैन, अता तारड़ और मलक अहमद खान भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल मिल बैठ कर तय करेंगे, पंजाब में अच्छा ही होने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपी और नून लीग अदम एतमाद या एतमाद के वोट दोनों ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। पीपी नून लीग के पास और भी ऑप्शन होंगे, मुझे दोनों जमातों ने दो ही ऑप्शन बताए हैं। जिनके पास अदम इतमाद के वोट पूरे नहीं, वो अपना नंबर पूरा करेंगे, जिसके पास वोट पूरे हुए वो बच जाएगा। काफ लीग के सदर का मजीद कहना था कि मेरा पीडीएम से नहीं लेकिन जरदारी और शहबाज शरीफ से राबता है। पंजाब के मामले पर टेंशन ज्यादा बनी है लेकिन जल्द हल निकल आएगा। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। चौधरी शुजात का कहना था कि परवेज इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। मुझे आम इंतहाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। कुछ लोग असम्बलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हुए हैं। चौधरी शुजात ने कहा कि परवेज इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं, मसला तो सियासी जमातों का है। सियासी जमातें एक अदम इतमाद और दूसरी इतमाद के वोट की तहरीक लाना चाहती है। उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात करते हुए कहा कि इमरान खान अक्लमंद आदमी है, इन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं।